एक गिलास में तो नशा हो जाएगा खूब ज्यादा। अरे नहीं भाई, हम नहीं पीते हैं, हम नहीं पीते, हम नहीं पीते हैं। थोड़ा सा पीजिए, ज्यादा नहीं पिए। पीजिए यूट्यूब चैनल, ये देखो, लिखते हैं लिखते हैं, एक बार ट्राई तो करो, इसे पी के दिखा, बताओ। हाँ कोई बात नहीं, ये पी लिया। ये देखो भाई, पी रही है ऐसे करके। नशा हो गया कि नहीं हो गया? लेकर जाएंगे भारत में, लेकर जाएंगे। शादी होगी तो बारात में लेके जाओगे? इसे क्या करते अभी यार, हम आए डर लग रहा है यार। गोरिया के बारे में बताओ, मतलब ये जो होता है तो फेमस क्या है यहाँ का सबसे ज्यादा? कैसे हो जी आप सब लोग, अच्छे हो ना? चलो एक नया दिन, एक नया वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि भाई आप दो तीन वीडियो पीछे से हमारी देख रहे होंगे, यहाँ पे मेला दिखा रहे हैं। ये जो मेला होता है, ये भगोरिया मेला मध्य प्रदेश में होता है, और यहाँ पर के जो आदिवासी हैं, भील और भिलाला आदिवासी, जो दो आदिवासी रहते हैं, इनका जो है लोकल जो कल्चर होता है, एक प्रकार से जो पूरा जो साल का त्यौहार होता है ना, तो वो अपना एक जो है होली से 5 दिन पहले चालू हो जाता है। और हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक ही दिन में 6-7 जगह पे भगोरिया होता है। तो जैसा कि भाई आपको हम दिखा रहे हैं रोज का अलग अलग जगह पे भगोरिया, और आज का ये जो भगोरिया हम दिखाएंगे ये वालपुर का, और बोलते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा ये फेमस है वालपुर का भगोरिया मेला। और यहाँ पर होता ऐसा है कि जैसे कि मतलब और कुछ नहीं करेंगे, लोग घूमने आएंगे, पर यहाँ पे जो है ना हर जगह पे पान बिकते हैं। लड़का हो या लड़की, मतलब पान तो खाएंगे ही, लड़का भी खाएगा लड़की भी खाएंगे पान वान, और पान तो हर जगह पे मिलेगा, और जिसको अगर पसंद भी आ गया तो वो अपना देखते हैं सुनते हैं लड़की को, ऐसा कुछ है। और चलो भाई चल के दिखाते हैं अंदर मेला में, और कैसा क्या होता है बातचीत करते हैं, और क्या कल्चर होता है, कैसे मतलब मेला कैसा क्या है पूरी कहानी। और अभी जैसा कि ये भाई, ये जो लोकेशन है पुल है, और यहीं पे मेला लगा है, ये जस्ट पुल के बगल में। और वालपुर सबसे फेमस है और सबसे अलग है, और सबसे बोले ना ख़तरनाक, एकदम अलग एडवेंचर। तो अगर भाई आप वीडियो देख रहे हो ना, तो मतलब कि वीडियो को शेयर कर दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करोगे तो आपको भी इसी तरह के और नए नए चीज़ और नए नए आदिवासी, मतलब जहाँ पे पूरे भारत में जो लोग रहते हैं, और भी अच्छे अच्छे ये देखो भाई ताड़ी, ये क्या पी रहे हो भैया? बियर बियर आप भी पी रहे हो? ताड़ी पी रहे हो? तो ताड़ी में नशा होता है कि नहीं होता है? नशा होता है ना भैया ताड़ी में? ताड़ी में क्यों नहीं नशा आता यार, बिल्कुल नशा आता होता है। एक गिलास पीने से हो जाएगा नशा? शेंदवा से। ये देखो भैया एकदम पूरा एंजॉय करोगे, और ये देखो भाई महिलाएं भी पी रही। नशा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। बहन है आपकी? बहन है? अच्छा अच्छा, तो ये देखो इसमें तो नशा होता है बहुत ना? पीजिए तो ट्राई कीजिए, एक गिलास में तो नशा हो जाएगा खूब ज्यादा। अरे नहीं भाई, हम नहीं पीते हैं, हम नहीं पीते, हम नहीं पीते। थोड़ा सा पीजिए, ज्यादा नहीं पिए। पीजिए यूट्यूब चैनल। हाँ यूट्यूब बता दो। एसपीटी व्लॉग्स, ये देखो लिखते हैं, एक बार ट्राई तो करो, पी के दिखा, बताओ। हाँ कोई बात नहीं, ये पी लिया। ये देखो भाई पी रही है ऐसे करके। नशा हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा आप लोग ये जो पहनती हो चांदी, बहुत ज्यादा पहनती हो ना? 5-5 किलो मतलब वजन नहीं लगता शरीर में? नहीं लगता। सभी लोग 5-4 किलो ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं जो पहने हो हाथ में? हेतेला। चलो भाई ये देखो इधर ऐसे, मतलब कि भाई यहाँ पर ना लड़कियाँ पी रही हैं दारू यार, भाई ऐसे करके भाई। हाँ भाई तुमको भी दिखा दे, ये देखो पी रहे हैं। हाँ तुम तो बियर पी रहे हो यार, ताड़ी नहीं पी रहे हो? ताड़ी हम पीते नहीं। ताड़ी नहीं पीते हो? तुम अच्छा वाला नशा कर रहे हो, रंगबाज वाला। ओरिजिनल नशा है ये, ओरिजिनल नशा है। नहीं भाई हम नहीं पीते हैं। कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश से। यूट्यूब पे वीडियो आएगा। हाँ तो बोला यार तुमको ऐसे करके भाई, ये देखो यहाँ पे मतलब लड़कियाँ भी पीती है ना? लड़कियाँ सब दारू वारू, ये बियर भी पीती है। अभी एक लौटने के है, लौटने के अभी एक बुद्धि माता जी, वो बियर पी रही थी। फिर नशे में झूमेंगी एकदम, एकदम डांस करेंगे, डांस करेंगे ऐसे करके। अच्छा भाई तो आप चने मने खा रहे और ये टेस्टिंग है ये? हाँ इसके साथ तो चखना तो चाहिए ही। आप भी ये चांदी का पहने हो? लड़के ये भी पहनते हैं हमारे में? शर्ट है ये पहनने, ये वाला चूड़ा।
और लड़कियां तो बहुत सारा पहनती हैं एकदम चांदी का, चांदी का पहनते हैं, चांदी का पहनती हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पर ना कि लड़की हो या मतलब किसी भी एज की औरत हो या लड़के हो, बुड्ढे हो, जवान हो, हर लोग मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं वो सब पीते हैं दारू, पीते हैं दारू है, बियर है और ताड़ी 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 वाड़ी भाई सब ऐसे करके घोड़े का दारू, घोड़े का मोहड़े का मऊहे का मऊहड़े बोलते हो आप लोकल लैंग्वेज में, तो मऊहे का भी दारू पीते हैं। मतलब भाई देखो कितनी जब वहाँ पर देखो भाई भीड़ है, खूब औरतें भी बेच रही हैं दारू वारू वहाँ पर उधर ऐसे करके भाई। तो इस तरह ये देखो एकदम कितनी ज़्यादा भाई भीड़ है यार, असली चीज़ दिखा रहे हैं एकदम ऐसे करके। देखो आंटी जी पी रहे हैं, ये क्या पी रहे हो आप? ताड़ी है भैया, ताड़ी है। आप नहीं पी रहे हो, आप नहीं पीते हो ताड़ी? क्या अच्छा अच्छा ये गिलास रखा है। तो नशा होता है कि नहीं होता भैया? नशा होता है ना? होता है। तो नशा अभी कितने पिए हो गिलास? अभी दो गिलास हमने पिए। दो गिलास पिए हो? शर्मा रही है ना इसीलिए नहीं बोल रही है। आपके जाके उतारो। ये आपके कौन है? मेरी बहन है। बहन है आपकी? हाँ। अच्छा आप बहन भाई पी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में पी लेते हो? ये देखो भाई ये ताड़ी ऐसे करके पी रही है। और भाई इधर से दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ना महिलाएं बेच रही हैं दारू। ये देखो भैया ये दारू बियर। ये क्या है माता जी? बियर है वो? वो ताड़ी है। अच्छा क्या चाहिए? वीडियो बना रहे हैं, वीडियो वीडियो बना रहे हैं। हाँ यूट्यूब पे डालते हैं, यूट्यूब पर। हाँ वीडियो बना करके हम करते हैं, वायरल कर देंगे, वायरल। ऐसा नहीं करना है, इसमें ताड़ी में नशा होता है ना? ये ताड़ी दिख रही है? हाँ हाँ इसके बनते हैं। अच्छा इसका बनता है? ये चना है? ओ यूट्यूब पे है, फेसबुक पर भी मयंक चौहान, मयंक चौहान फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब में मतलब सेम ऐसे करके। ये देखो भाई इधर ऐसे करके भाई जो है ताड़ी बेच रही इधर महिलाएं। बहुत अच्छी ताड़ी है भाई, बहुत अच्छी है, एक नंबर ताड़ी है। एक नंबर। ये देखो भाई हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर और यहाँ पर जो है आपको मार्केट दिखाते हैं। जैसे कि ये देखो भाई छोटी छोटी ऐसे करके दुकानें लगी हुई हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये बिकता है, ये भाई जो रेड कलर का है इसको बोलते हैं, हमको लगता है कुछ मीठा मीठा खाने के लिए होता है। और ये सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है ना खरीद के ले जाते हैं। और ये देखो भाई चुर्री वुर्री जैसे ना ये सब ऐसे, ये मिठाई की दुकान है, ऐसे करके भाई मिठाई उठाई यहाँ पे बिकती है। और चलो भाई ये देखो, और भाई यहाँ पे जो लोग आते हैं ना सबसे ज़्यादा ये गाड़ी बड़े बड़े लोग खरीदते, मतलब जो जिनकी एज ज़्यादा है 30+, वो भी इस तरह की गाड़ी और इस तरह के भाई खिलौने खरीदते हैं, ये ट्रक, ये देखो ऐसे सब भाई। इसको क्या बोलते भैया? पार्टी, शादी के लिए यूज होता है। शादी जब होता होगा तो देते हैं कि मतलब क्या करते हैं? बेचते हैं। यूज क्या होता है इसका? 25। नहीं नहीं मतलब कौन से काम में? शादी शादी के लिए, शादी में देते हैं लोग? हाँ, लड़के वाले देते हैं? लड़के वाले लेते। अच्छा बारात में लड़के वाले लेके जाते होंगे। ये देखो भाई ये देखो भाई इसके अंदर जो है ना सामान, इसके अंदर सामान रखने के, सामान जो सामान होता, अच्छा जो सामान होता होगा इसके अंदर रखते होंगे ऐसे करके भाई। पूरा सजा धजा के एकदम पूरा ना। मेले में भाई यहाँ पर जो है ना आदिवासी लोग जो है सबसे ज़्यादा चांदी का आभूषण पहनते हैं। और यहाँ पर भाई दिखाते हैं ना कितनी ज़्यादा, ये देखो भीड़ है। ये देखो भाई यहाँ पे ना, ये देखो मतलब आधा आधा किलो के ये हाथ में पहनने वाले फूल होते हैं। और ऐसे करके देखो भाई कड़ाई खरीद रहे हैं, ये देखो भाई पूरा ना चांदी का ऐसे पहने हुए। और इधर ये देखो खरीद रहे हैं इधर ऐसे करके, कितना कितना चांदी? ये देखो भाई एक एक मतलब लोग 8-8 किलो ऐसे करके भाई चांदी पहनती हैं सब लोग, ऐसे देखो ये चांदी। और ऐसे करके भाई ना सबसे ज़्यादा जो आदिवासी लोग हैं ना तो सबसे ज़्यादा भाई जो है चांदी का आभूषण पहनती, एक महिला जो है 8-9 किलो इतना मतलब चांदी पहनती है। और सोना जो है भाई इनको नहीं पसंद होता है। तो यहाँ पर ये देखो भाई
ये देखो ये भाई, ये देखो चांदी वांदी जो है कितनी ज़्यादा भाई बेच रहे हैं, और एक एक आदमी जो है सात सात पाँच पाँच किलो भाई लोग जो है चांदी लेते हैं ऐसे करके। और इस तरह से जो है ना ये अलग अलग इनकी जो है ड्रेस होता है ऐसे ऐसे भाई देखो पहन के आ रहे हैं पूरा, और चांदी ही पहनती हैं। और ये देखो भाई इधर से जो है ये सब चांदी ही, मतलब हर एक दुकान में ना इतनी ज़्यादा देखो भाई चांदी की है। यहाँ जो फेमस होता है और ये लोग जो पूरा जो आप पूरे चांदी के होते हैं, चांदी सोना बहुत कम पे होता है, ये आधा कंदोरा होता है, ये कमर पे बांधते हैं। मुझे तो अच्छे से तोड़ दूंगा, पर ये नानी मोटी आधा मोटी पूरे के आधा किलो, आधा किलो का है सर, आधा किलो का है भाई ये देखो कंदोर, और इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ना आदिवासी लोग सबसे ज्यादा भाई यही पहनते हैं। और मेला जो है पूरा भीड़ जो है बढ़ने ही लगी है, पूरा एकदम माहौल जो है सज रहा है, काफी ज्यादा जो है भीड़ हो रही है मेले में। घर भी ढाकन निकली जाए तो बहुत निकल आकाश। ये क्या है आंटी? हार कंगन। हार कंगन इसका क्या होता है, मतलब पूजा करने के लिए? और ये भी पूजा करने के लिए है। हाँ मतलब ठीक है, अच्छा जी। और ये देखो भाई यहाँ पर जो है इसे, ये भैया क्या है, सफ़ेद प्याज? सफ़ेद प्याज है ना, ये लाल प्याज, ये सफ़ेद प्याज। अच्छा लाल प्याज और ये सफ़ेद प्याज है जी। ये देखो भाई गाड़ी बेच रहे हैं, एकदम अलग तरह की ये भाई ये गाड़ी है पूरा, इतनी सारी देखे भाई ये गाड़ी, ये देखो गाड़ी ऐसे ऐसे करके चल रही। ये लोग चैनल बताओ, मयंक चौहान, मयंक चौहान। ये देखो भाई पूरी जो है ना भीड़ तो इतनी ज्यादा है कि पैर रखने की जगह ही नहीं पूरा, और भाई बहुत सारी। हाँ भैया कहाँ से हो? भगोरिया के बारे में बताओ, मतलब ये जो होता है तो फेमस क्या है यहाँ का सबसे ज़्यादा? सब चाय का भगोरिया है, सबसे ज़्यादा वाल बहुत बहुत साल बड़े इकट्ठा रहे। होता क्या है यहाँ पे ये बताओ? यहाँ पर ये होता है मतलब झूला झूलना, जिनको झूला झूलना है, उसके बाद ये हेलो गाइस वो खाना ये लो भाई, ये सब लोग आए। तुम सब लोग कहाँ से आए हो भाई? हम एमपी झाबुआ से। छपरा से आए हो? हाँ झाबुआ से भाई। झाबुआ झाबुआ। चैनल का नाम क्या है? मयंक चौहान। ठीक है भाई, मयंक चौहान। यहाँ पर मेले में जलेबी और भाई ये इस तरह की कुछ मिठाइयाँ बनती हैं, जो कि बस ये मिठाई और बस ये पकौड़ी मिर्चा के और बेसन के, बस पकौड़ी और पकौड़ा, और ये भाई कुछ नमकीन है वो भी बेसन का बनता, बस पूरे मतलब मेले में बस यही प्रकार की भाई मिठाइयाँ मिलेंगी। और ऐसे ये देखो इधर से बस इतनी है, और उधर वहाँ पर भाई बूंदी रखी है, बस ये वाली मिठाई इधर ऐसे मिलती है पूरे बस। और ये जो है शकरकंदी भाई, सुबह बता रहे थे ना जो पहले, ये शकरकंदी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग खरीदते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? शकरकंदी ना ये भाई ऐसा। और भाई ये पूरा जो है मेले का अंदर का नज़ारा है पूरा, ऐसे करके भाई देख सकते हो। और इधर से ना पूरा ऐसे यहाँ पे झूले और चश्मा, जो लड़कियाँ सबसे ज़्यादा है ना भाई चश्मा लगाती हैं, चश्मा है और झूला है आइसक्रीम है, मतलब ये तो सारी चीज़ें ऐसे करके भाई खाती है। और यहाँ पे देखो भाई सब कितनी ज़्यादा मतलब भीड़ है, ये गुब्बारे छोटे मोटे ऐसे करके भाई मेला होता है, और मेला सिर्फ 2 से 4 घंटे का मेला होता है।
पूरा मेला ऐसे भाई। ये देखो यहाँ पर झूला लगे हैं, इधर झूला लगे हैं और इधर ये सब सारा कुछ ऐसा है भाई। ये देखो इधर से, और भाई ऐसे करके यहाँ पे जो लड़कियाँ होती वो सारी जो है ना अपना फ़ोटो खिंचाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता आदिवासी कल्चर में, और माथे में और मुंह में टैटू बनवाती है बहुत ज़्यादा भाई ऐसे करके। तो बस उसी की भाई यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा इधर भीड़ लगी हुई है। और ये देखो भाई सब लोग आए जा रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए इधर से। ये देखो छोटे छोटे बच्चियाँ, और मतलब अधिकतर तो लोग 6 से 7 लोग होंगे ना, तो जैसे एक ही ड्रेस में पूरा ऐसे कपड़ा पहन करके आएंगी ऐसे करके। और इस तरह यहाँ पे ना देखो भाई चश्मा है, चश्मा तो ये सब सारी चीज पूरा बचेंगे नहीं, थोड़ी देर में सब बिक जाएंगे चश्मा उश्मा। क्रीम लगाता रहना। अभी यार हम आए, डर लग रहा है यार। भाई 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 इसमें भी डर लग रहा है मेरे को तो। अब भाई यहाँ से देखो पूरा मेला कैसा दिख रहा है, एकदम छोटा सा भाई, छोटा सा दिख रहा है। हालत खराब हो गई यार मेले में एकदम भाई, जब झूला नीचे जाता है ना एकदम धक 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 दिल करता है। और यहाँ से भाई देखो हम कहाँ पर टंगे हैं, कितनी ऊंचे। ये देखो इधर तो भाई ये जमीन देखो, इतना बंदा झूले झूलते नहीं कभी, बच्चे ये तब झूलते झूल ही गए। और मेले वगैरह में आते हैं ना तो बच्चे बन जाते हैं, बच्चे अच्छा लगा। पहली बार भाई झूला पर एकदम दिल ना धक 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 कर रहा था। हमने तो भाई आँखें बंद कर लिया और बस चुपचाप बैठ रहे, झूला ऊपर से नीचे आवे ना एकदम, फिर मज़ा आ गया। ठीक था, हालत ख़राब हो गई, हम तो सोचा झूल नहीं पाएंगे पर भाई बैठ गए ना, तो चक्कर तो पूरे होना ही था 10 चक्कर। इधर ही देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ लगी, हमारा भी नंबर अब उतरने का आ गया है। चलो भाई उतरते हैं, अलग एक्सपीरियंस एकदम भाई खतरनाक वाला। चलो भाई चलते हैं, बाहर आ गए। अब ये देखो यहाँ से कितनी ज़्यादा इधर भीड़ है। ये देखो भाई ये क्या बोलते हैं इसको, धनुष ऐसे भाई। भाई देखो इनका धनुष और बाण, एक मेले में मतलब क्या इसको लेकर चलते हो हमेशा धनुष बाण को, अभी खरीदा है। अच्छा मेले में खरीदा है। अच्छा मेले में खरीदा करोगे ये भाई, देखो धनुष बाण भारत में लेकर जाएंगे, भारत में लेके जाएंगे। शादी होगी तो बारात में लेके जाओगे, इससे क्या करते क्या मतलब बारात में लेके जाते हो? ऐसे शौकीन है, शौकीन सब लोग बारात में लेकर के जाते हैं। मेरे को लगा शिकार करने जाओगे, बारात में लेके जाएंगे, बारात में लेके जो जितने लोग बारात जाते हैं 10 लोग 20 लोग सब लोग धनुष बाण लेकर के जाते हैं। आधे लोग लेके जाते हैं, आधे लोग इसके कारण होगा ना, क्यों लेके जाते हैं? शौकीन है इसका, मतलब जैसे आप लोग आदिवासी हो ना, हाँ, तो मतलब पहले जो आदिवासी लोग धनुष बाण चलाते तो वही कल्चर है, तो उस कल्चर को फॉलो करते हो ना। अच्छा देखो सब लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं ऐसे करके, मतलब जो है जश्न मनाते हैं। और ढोलक जो है बीच में बाजती रहती है और सारे लड़के और जो है सब इधर लड़कियां भी नाचती हैं ऐसे करके भाई, जो है नाचते रहते पूरा मतलब ना खुले आम जो है दारू पी जा रही, जो दारू है ताड़ी है
ऐसे करके भाई ये देखो झटके ना, ये देखो भाई ऐसे करके ना, ये ताड़ी होता है, ये ताड़ी है। कितने रुपए का एक बोतल है? 40 रुपए की। 40 रुपए फुल बोतल? इससे कैसे नशा होता है ताड़ी में? नशा होता है ना। हाँ यार, एक बोतल पीने से नशा हो जाएगा। हाँ, काई भी होना चाहिए यार। हाँ, नशा तो होना चाहिए। ये देखो भाई, और यहाँ पर भी ये देखो, इधर पूरा भाई, इधर बियर वियर सारी चीजें इधर बिक रही है इस तरफ। यहाँ पे तो ये देखो, इधर पर भी लड़कियाँ भी पी रही भाई, ताड़ी वाड़ी ऐसे करके। ऐसी बता दो ये भगोरिया के बारे में, भगोरिया जो होता है किस लिए होता है भैया? भगोरिया ये हमारा आदिवासी का त्यौहार है। आदिवासी त्यौहार त्यौहार है, और इसी में मतलब 8 दिन तक भुंगे रहता है। 8 दिन उसे हम मतलब सब पूरे समाज मिलके मतलब मनाते हैं, हंसी गाते नाचते कूदते एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं, ढोल बजाते हैं, होली का त्यौहार करते हैं। होली से पहले ऐसे होता है? हाँ, होली से पहले होता है। और ये जो ताड़ी है मतलब ये सब एकदम मतलब एंजॉय के लिए, एंजॉय सब लोग पीते हैं, एंजॉय के लिए, मजा के लिए ना, ऐसे करते भाई। ठीक है, एंजॉय करिए आप भी एकदम। थैंक यू, धन्यवाद। ये देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है कि एक तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से लोग जा रहे हैं, इतना भाई कि मतलब लाइन वार से चल रहे हैं। इतनी पैदल जो है भाई, पैदल चलने के लिए धीरे धीरे भाई जाना पड़ रहा पूरा, और ऊपर जो ना पूरा गर्दा गर्दा ही उड़ रही, इतनी ज़्यादा भीड़ है। हाँ, आ गए भाई सब लोग। तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो इधर, ये देखो इधर पूरा, ये देखो भाई ये मेला है, इसे बोलते हैं मेला। और थोड़ी देर पहले भी दिखाया था ना, 10 मिनट पहले यही रोड था कि पूरी रोड भाई खाली थी, ये रोड पूरा। और अब ये आलम है कि पूरा पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। इधर से देखो, ये देखो भाई कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मेले में पता नहीं चला, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा, बड़े हो, बूढ़ हो, बुजुर्ग हो, देखो हारन बजा रहे हैं, पुप पुप वाला वो जो मेले में भाई बजाते हैं, ये देखो बजा रहे हैं। ये देखो भाई ये ऐसे करके बजा रहे हैं मेले में। चलो भाई इधर से इधर चलते हैं, ये क्या इधर नहीं रहा, खेल सेल्फी वाला हो रहा भाई। ये भीड़ देख लो, भीड़ अभी थोड़ी देर पहले यहीं से निकले थे ना, तो पूरा एकदम सब मैदान मैदान था, और अब इतनी जल्दी इतना भीड़ हो गया यहाँ पर कि पता ही नहीं चल रहा है। इधर ये देखो भाई, उधर झूला है, इधर ये सब है पूरा। वीडियो देखे हो ना तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना भाई वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार वीडियो के साथ, किसी आदिवासी घर में या किसी अच्छी से अच्छी लोकेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखो भाई अभी भी ढोल नगाड़े सारा कुछ बाज रहा है, और बस मेला बंद ही हो गया। अब भाई अपना थोड़ा सा